वेलकम टू द श्रीवास्तव क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं हमारी ईवीएस का चैप्टर 9। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, हमारी ईवीएस का चैप्टर 9। हम ऑलरेडी इसके स्टार्टिंग के 8 चैप्टर्स कर चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 9। तो हमारे चैप्टर 9 का नाम है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं जैव विविधता को किस तरीके से कंजर्व किया जा सकता है, उसे कंजर्व करने की स्ट्रेटजीज क्या क्या हो सकती है, तो हम इसमें वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बायोडाइवर्सिटी ही बता देती हूँ, यानी कि जैव विविधता क्या होता है। पहले सबसे पहले इसी टर्म को क्लियर करके चलते हैं। सो देखो, बायोडाइवर्सिटी को ही हिंदी में जैव विविधता बोलते हैं। ठीक है ना, बायोडाइवर्सिटी इज वेरिएबिलिटी इन लाइफ फॉर्म्स दैट एग्जिस्ट ऑन दिस प्लैनेट। तो जैव विविधता होती है विभिन्नता, वेरिएबिलिटी का मतलब होता है विभिन्नता लाइफ फॉर्म्स के अंदर जो एग्जिस्ट करते हैं हमारे प्लैनेट पे। यानी कि कितनी वेराइटीज की लाइफ फॉर्म्स, यानी कितने वैरायटी के जीव जंतु जानवर ये सब हमारी पृथ्वी पर मौजूद है, उन्हीं सबको जैव विविधता बोलते हैं। यानी प्लांट्स की कितनी ज्यादा वैरायटीज है, मतलब 2 करोड़ वैरायटीज के प्लांट्स हैं। ठीक है ना, उसके अलावा 20 करोड़ के जो जानवर है, तो टोटल मिला के कितने हो गए, 22 करोड़। तो इतनी ज्यादा जैव विविधता है। ठीक है ना, तो इतनी वैरायटीज जो है हमारी अर्थ पर पाई जाती है। तो वैरायटीज लाइफ फॉर्म्स के अंदर जो जीवित हैं उनके अंदर कितनी वैरायटीज है उसको क्या बोलते हैं, बायो डाइवर्सिटी। पॉपुलेशन ऑफ मेनी स्पीसीज आर डिक्रीजेस इन नंबर ड्यू टू लार्ज स्केल डिफोरेस्टेशन माइनिंग डैम कंस्ट्रक्शन एंड अदर ह्यूमन एक्टिविटीज। बहुत सारी स्पीशीज जो है वो ऐसी है जिनकी पॉपुलेशन जो है जनसंख्या जो है कम होती जा रही है। ठीक है ना, किसकी वजह से, ड्यू टू लार्ज स्केल डिफोरेस्टेशन यानी कि जंगल काटने की वजह से। बहुत बड़े बड़े जंगल काटे जा रहे हैं, माइनिंग की जा रही है यानी कि खुदाई की जा रही है खाने वगैरह की, और डैम कंस्ट्रक्शन की वजह से, और भी ऐसी हम इंसानों द्वारा की गई एक्टिविटीज है जिनकी वजह से बहुत सारा पॉपुलेशन जो है स्पीशीज की वो खत्म होती जा रही है। यानी कि जो हमारी अभी प्रजातियां हैं ये खतरे में है, किसकी वजह से, हम लोगों की वजह से। वेरियस स्ट्रेटजीज आर यूज टू इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ द स्पीशीज विच आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन। तो क्या हुआ, बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजीज है जिनका यूज किया जा रहा है पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज को इंक्रीज करने के लिए। यानी कि जो प्रजातियां खत्म होने की कगार पे, यानी कि एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं, उनकी पॉपुलेशन को, उनकी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए अब बहुत सारे तरीके अपनाए जा रहे हैं, बहुत सारी स्ट्रेटजीज अपनाई जा रही है। ठीक है, मेथड्स टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी आर ऑफ 2 टाइप्स। अब देखो, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के जो दो मेथड्स, मतलब जो मेथड्स है वो 2 तरीके के हैं, पहला इनसिटू कंजर्वेशन एंड दूसरा एक्सिटू कंजर्वेशन। ठीक है, अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इनसिटू कंजर्वेशन। तो इसको हमने 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया है, किसके अंदर, 3 टाइप्स के अंदर। उसमें पहला है हमारा नेशनल पार्क। क्या है हमारा पहला, नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क आर प्रोटेक्टेड एरियाज। नेशनल पार्क जो है ये प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, इन विच जिनके अंदर कंप्लीट लीगल प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड टू इकोसिस्टम, जिनके अंदर पारितंत्र को यानी जो इकोसिस्टम होता है उसको पूरी तरीके से कानूनी सुरक्षा दी जाती है। ठीक है ना, यानी कि गवर्नमेंट के अंदर आते हैं ये हमारे नेशनल पार्क, इनको सरकार पूरी तरीके से सुरक्षित बनाती है। ठीक है ना, जिसके अंदर हम जानवरों को रखते हैं और जानवरों की सुरक्षा की जाती है। ठीक है, तो वो ये एक कानूनी तरीका होगा जिसमें लीगल प्रोटेक्शन दी जाती है। नेशनल पार्क्स आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ कोर बफर स्ट्रेटजी। यहाँ पे कोल आ गया था फ्रेंड्स, कोल नहीं है, कोर है, कोर बफर स्ट्रेटजी। तो नेशनल पार्क्स जो है इनको बनाया जाता है कोर बफर स्ट्रेटजी के बेसिस पे। अब ये कोर बफर स्ट्रेटजी क्या है, देखो सबसे पहले बताती हूँ। कोर, कोर का मतलब होता है कोर एरिया इज सेंट्रल रीजन ऑफ नेशनल पार्क। देखो ये मेरा पूरा नेशनल पार्क है, इसके बीच का ये जो सेंट्रल रीजन है इसको हम बोलेंगे कोर, एंड ये जो पेरिफेरल रीजन है यानी साइड का रीजन है इसको हम बोलेंगे बफर। ठीक है, तो ये जो कोर रीजन होता है ये सेंट्रल रीजन होता है हमारे नेशनल पार्क का, विच इज कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज। तो ये एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर इंसान नहीं आ सकता है बिल्कुल भी, हम कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज इसमें नहीं कर सकते हैं, ये कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड होता है ह्यूमन एक्टिविटीज से, यानी हम लोग यहाँ पे अलाउड ही नहीं होते हैं यहाँ पर जाने के लिए। अब बात करते हैं बफर जोन की। ठीक है, बफर जोन इज पेरिफेरल एरिया, मैंने आपको बताया ये पेरिफेरल एरिया होता है ऑफ नेशनल पार्क, इज अलाउज लिमिटेड टूरिज्म। तो ये जो पेरिफेरल एरिया होता है यहाँ पर थोड़ा बहुत टूरिज्म जो होता है वो अलाउ किया जाता है। ओके, अब इसके एग्जाम्पल्स बता देते हैं नेशनल पार्क के। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, एंड राजाजी नेशनल पार्क ये भी उत्तराखंड में है। ओके, ये 2 एग्जाम्पल्स हो गए हमारे नेशनल पार्क के। अब नेक्स्ट है हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है ना, पहला था हमारा नेशनल पार्क, दूसरा हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज प्रोटेक्टेड एरिया विच इज क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू कंजर्व अ पर्टिकुलर स्पीशीज विच मे बी ऑफ लोकल नेशनल और इंटरनेशनल
सिग्निफिकेंस। अभी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होते हैं ये भी प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जो कि क्रिएट किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, यानी गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाते हैं। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैसे बनाए जा सकते हैं, ये पर्टिकुलर क्रोकोडाइल्स के लिए भी बनाए जा सके, पर्टिकुलर टाइगर्स के लिए बना दिया, यानी किसी पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए। नेशनल पार्क में जो था हमारी सारी स्पीशीज इन्वॉल्व थी, बट हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कोई एक पर्टिकुलर स्पीशीज होती है, ठीक है। सो विच मे बी ऑफ लोकल, अब वो जो स्पीशीज है वो लोकल भी हो सकती है, नेशनल भी हो सकती है, या फिर इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस की भी हो सकती है, यानी कि वो लोकल, अगर लोकली कोई एक ऐसी स्पीशीज है जो खत्म होने की तगार पे है, ठीक है ना, और वो इम्पोर्टेंट है हमारे देश के लिए, बिकॉज देखो बायोडाइवर्सिटी हर देश के लिए, हर देश की बायोडाइवर्सिटी इम्पोर्टेंट होती है, तो वो उसके लिए भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी खोल सकते हैं। अगर कोई नेशनल लेवल पे, ठीक है ना, कोई ऐसी स्पीशीज है जो खत्म होने वाली है उसके लिए, या फिर कोई इंटरनेशनल लेवल पे कोई ऐसी स्पीशीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बनाया जा सकता है, ठीक है। दीज आर ऑल्सो क्रिएटेड ऑन बेसिस ऑन कोर बफर स्ट्रेटेजी, तो ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होते हैं इनको भी कोर बफर स्ट्रेटेजी के बेसिस पर बनाया जाता है। अब ये जो कोर वाला सिस्टम है ये बिल्कुल सेम एज नेशनल पार्क है, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मिडल पार्ट, यहाँ पर हम ह्यूमंस का जाना मना होता है, ठीक है। बफर स्ट्रेटेजी यानी बफर वाले पार्ट की बात की जाए तो ये पेरिफेरल रीजन होता है, वही जो मैंने नेशनल पार्क में बताया था, और इसके अंदर टूरिज्म, फ्यूल वुड कलेक्शन यानी कि जो आसपास के रहने वाले लोग हैं वो लकड़ियों के इकट्ठा करने के लिए या फिर शहद इकट्ठा करने के लिए लोगों का जाना अलाउड होता है, तो इन जगह पे थोड़ा बहुत लोगों का जाना अलाउ होता है, जो आसपास के लोग होते हैं उनका जाना, और टूरिज्म भी अलाउ होता है, ठीक है ना। अभी नेशनल पार्क के अंदर सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म अलाउ था, ठीक है, आसपास के लोगों का जाना वैसे अलाउ नहीं था किसी भी काम के लिए। अब इसका एग्जाम्पल है चिल्का बर्ड सेंचुरी जो कि ओडिशा में है, ओके। नेक्स्ट है हमारा बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है ना। तो अभी हमने इसका क्या पढ़ लिया, हमने इसमें नेशनल पार्क पढ़ लिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ लिया, अब हम देखेंगे बायोस्फीयर रिजर्व। सो दीज प्रोटेक्टेड एरियाज आर बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ इंक्लूडिंग ह्यूमंस एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स। तो ये कुछ ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जो कि इस कंसेप्ट के ऊपर बेस है कि इसके अंदर ह्यूमंस भी इंक्लूड होंगे और स्पीशीज को कंजर्व भी किया जाएगा, ठीक है ना। सो बायोस्फीयर रिजर्व्स आर प्रोटेक्टेड एरियाज कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, ये ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज है जो कंजर्व करते हैं, बचाते हैं बायोडाइवर्सिटी को, एंड प्रोवाइड लिवलीहुड टू लोकल कम्युनिटीज, यानी कि आसपास के जितने भी लोग रहते हैं, समुदाय होते हैं, उन सबको जीविका यानी कि रोजी रोटी भी प्रदान करते हैं ये बायोस्फीयर रिजर्व, ओके। मतलब वहां पे जाके वही बात है, अपनी लकड़ियां ले सकते हैं, शहद इकट्ठा कर सकते हैं, यहाँ पे छोटी मोटी चीजें जो वहां पे मिलती है वहां से ले सकते हैं और अपनी जीविका जी सकते हैं। मल्टीपल एक्टिविटीज लाइक फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, टूरिज्म एक्सेट्रा परमिटेड इन पेरिफेरल रीजन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। अब देखो इसमें भी वही कोर एंड बफर रीजन वाली प्रॉब्लम है, ठीक है। अब कोर वाला मैंने आपको बता दिया एंड बफर भी वही पेरिफेरल रीजन, ठीक है ना। तो ये जो बफर रीजन होता है इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज की जा सकती है, जैसे कि फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, टूरिज्म, तो ये सब जो होते हैं अलाउड होती है, ये सब एक्टिविटीज अलाउड होती है पेरिफेरल रीजन में, ओके। अब इसके भी कुछ एग्जांपल है, वो है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि उत्तराखंड में है, एंड नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि साउथ इंडिया में है, ओके। नेक्स्ट है हमारा एक्सिटू कंजर्वेशन, तो हमने इन सिटू कंजर्वेशन पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे एक्सिटू कंजर्वेशन। तो इसमें भी थ्री टाइप्स है, पहला है हमारा जू, इसके अंदर भी कितने टाइप्स है, थ्री टाइप्स है, जिनमें फर्स्ट हमारा जू है। सो दीज आर प्लेसेस इन विच स्पीशीज आर कीप्ड इन आर्टिफिशियल एनक्लोजर्स, तो ये वो प्लेसेस है जहां पर स्पीशीज को आर्टिफिशियल एनक्लोजर्स में रखा जाता है। एनक्लोजर का मतलब घेरा या फिर दीवार भी हो सकता है, आर्टिफिशियल होते हैं वो, ठीक है ना। आपने जूज में देखा होगा कोई जानवर है उसको ऐसे चारों तरफ उसकी दीवार से बना देते हैं, नेट लगा देते हैं, उसके अंदर फिर एक आर्टिफिशियल एनवायरमेंट बना देते हैं, यानी आर्टिफिशियल नदी, छोटा सा पहाड़, पत्थर वगैरह सब डाल देते हैं ताकि उस वो जो स्पीशीज है उसको थोड़ा सा फेमिलियर लगे वो जगह, लेकिन वो होती कैसे है, आर्टिफिशियल, तो उनकी सेफ्टी के लिए रखा जाता है उनको, ठीक है। जू सर्व्स पर्पस ऑफ एजुकेटिंग सिटीजन्स अबाउट वाइल्ड लाइफ, अब ये जो जू होते हैं ये काम करते हैं सिटीजन्स को एजुकेट करने का कि ये जो वाइल्ड लाइफ होती है यानी जो जंगली जानवर होते हैं इनकी लाइफ कैसी होती है, तो उसके बारे में एजुकेट करने का काम करते हैं ये जूस, ओके। नेक्स्ट पॉइंट हमारा वेरियस एनिमल ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, ब्रीडिंग का मतलब होता है प्रजनन, ओके। सो वेरियस एनिमल ब्रीडिंग प्रोग्राम्स आर ऑल्सो कैरिड आउट इन जू टू इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज, तो इसमें क्या करते हैं स्पीशीज का ना, मतलब जो एनिमल्स होते हैं उनका ब्रीडिंग्स भी कराई जाती है आपस में ताकि जो उनकी पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो सके, ओके। नेक्स्ट जो हमारा वो है जीन बैंक, सो जीन बैंक आर दोज इंस्टीट्यूट्स इन विच जीन्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज आर प्रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज,
तो देखो जीन बैंक से आप समझ लो, जीन क्या होते हैं, जो हमारे डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं ना, उनको प्रिजर्व कर लिया जाता है एक जगह पे, उसको बोल देते हैं जीन बैंक। तो ये वो इंस्टीट्यूट होते हैं जहां पर डिफरेंट स्पीशीज के जीन्स को प्रिजर्व किया जाता है फ्यूचर यूज के लिए, ताकि हम उन्हें फ्यूचर में यूज कर सके। अब इसका एग्जाम्पल है NBPGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। तो अब नेक्स्ट है हमारा सीड बैंक, ठीक है ना। अब दीज इंस्टीट्यूट आर इन्वॉल्व इन प्रिजर्विंग सीड्स ऑफ वैल्यूएबल प्लांट स्पीशीज। देखो अब ये जो इंस्टीट्यूट होते हैं ये प्रिजर्व करते हैं, यानी बचा के रखते हैं बीजों को, किनको, वैल्यूएबल प्लांट स्पीशीज, यानी ऐसे महत्वपूर्ण पौधों की प्रजातियां जो कभी आकर खत्म हो सकती है, तो उनको, उनके सीड्स को, उनके बीज को बचाने का काम करते हैं ये सीड बैंक, उनको प्रिजर्व करके रख लेते हैं ताकि आगे चलकर अगर वो स्पीशीज खत्म हो जाए तो उनके बीजों से उन्हें दोबारा उगाया जा सके। ओके, दीज सीड्स में भी यूज इन फ्यूचर, तो इन सीड्स को फ्यूचर में यूज किया जा सकता है। इफ एनी प्लांट स्पीशीज, अगर कोई प्लांट स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल है IARI, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टर्म्स यूज फॉर स्पीशीज। अब स्पीशीज के लिए कुछ ऐसे टर्म्स यूज की गई है, उन्हें देखते हैं। पहली है हमारी अम्ब्रेला स्पीशीज, ठीक है। तो इसके अंदर इंक्लूड दो स्पीशीज, इसके अंदर वो स्पीशीज आती है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी इकोसिस्टम, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हेल्दी इकोसिस्टम को मेंटेन करे रखने के लिए, यानी कि उसको संतुलित बनाए रखने के लिए जो स्पीशीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अब इसमें एग्जाम्पल आ जाता है टाइगर, ओके। अब टाइगर इसका एग्जाम्पल क्यों है, देखो मैं बताती हूँ फ्रेंड्स। ऐसा होता है ना, कोई भी एक स्पीशीज अगर ज्यादा हो जाती है तो दूसरी स्पीशीज को, मतलब वो हमारे इकोसिस्टम के लिए बेकार होता है। क्यों, देखो अगर आप सोचो, अगर टाइगर्स नहीं होंगे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, जो घास चरने वाले एनिमल्स हैं, यानी कि जो हर्बीवोर्स हैं, जो प्लांट्स वगैरह खाते हैं, ठीक है ना, और जो प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है ना, यानी कि पेड़ पौधे जो हैं, उनकी अमाउंट ज्यादा हो जाएगी फ्रेंड्स। क्योंकि देखो अगर टाइगर इन्हें नहीं खाएगा, यानी कि टाइगर घास खाने वाले जानवरों को नहीं खाएगा, और ये घास खाने वाले जानवर ज्यादा होते चले जाएंगे, जिसकी वजह से ये जो पेड़ पौधे इनकी कमी हो जाएगी, तो हमारा इकोसिस्टम क्या है, इम्बैलेंस हो जाएगा। तो इकोसिस्टम में बैलेंस बनाए रखने के लिए हर एक स्पीशीज उतनी ही जरूरी है जितनी, मतलब हर एक स्पीशीज इक्वल इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है की स्टोन स्पीशीज। तो की स्टोन आर वैल्यूएबल स्पीशीज, देखो वैल्यूएबल का कीमती है, फिर महत्वपूर्ण, यहाँ पे महत्वपूर्ण आएगा, ठीक है ना। तो ये वो महत्वपूर्ण स्पीशीज होती है फॉर एनी इकोसिस्टम, किसी भी इकोसिस्टम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी जो स्पीशीज होती है वो होती है कीस्टोन स्पीशीज। तो एब्सेंस ऑफ कीस्टोन स्पीशीज वुड रिजल्ट इन कोलैप्स ऑफ इकोसिस्टम। अगर कीस्टोन स्पीशीज जो है उनकी एब्सेंस होगी, वो नहीं होंगी, तो इससे क्या होगा, जो हमारा इकोसिस्टम है वो गिर जाएगा, यानी ढह जाएगा। कोलैप्स का मतलब होता है ढह जाना, गिर जाना, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल है एलिफेंट्स, ओके। प्रेजेंस ऑफ एलिफेंट्स इन फॉरेस्ट इंडिकेट दैट इकोसिस्टम इज हेल्दी एंड इन गुड कंडीशन। अगर जंगलों में एलिफेंट्स आज भी प्रेजेंट है तो ये दर्शाता है कि जो हमारा इकोसिस्टम है वो हेल्दी है और अच्छी कंडीशन में है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंडिकेटर स्पीशीज। देखो इंडिकेटर के नाम से समझ रहे हो ना, इंडिकेट करना किसी चीज के बारे में, ठीक है ना, इशारा करना। सो दोज स्पीशीज विच आर सेंसिटिव टू वेरिएशन, वेरिएशन का मतलब यहाँ पे चेंजेस, यानी कि बदलाव। वो स्पीशीज जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं बदलाव को लेकर जलवायु में, जैसे थोड़ी सी जलवायु बदली, इन वाली स्पीशीज को जीना मुश्किल हो जाता है, मतलब, तो उन स्पीशीज को बोलते हैं इंडिकेटर स्पीशीज। तो इसमें एग्जांपल्स आते हैं लाइकेंस एंड फ्रॉग्स आर इंडिकेटर स्पीशीज। नेक्स्ट हमारा फ्लैगशिप स्पीशीज। तो दो स्पीशीज विच आर इकोलॉजिकली कल्चरली इमोशनली सिग्निफिकेंट इन द सोसाइटी। तो ये वो स्पीशीज होती है जो इकोलॉजिकली और कल्चरली यानी सांस्कृतिक रूप से और इमोशनली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी सोसाइटी के लिए, उनको बोलते हैं फ्लैगशिप स्पीशीज। गवर्नमेंट हाईलाइट द स्पीशीज। देखो गवर्नमेंट जो हाईलाइट करती है उन स्पीशीज को ऑफ एनी रीजन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव कंजर्वेशन एफर्ट्स। तो जो ये फ्लैगशिप स्पीशीज होती है गवर्नमेंट इन्हें हाईलाइट करती है किसी भी रीजन की, ये ताकि जो कंजर्वेशन एफर्ट्स है उनको इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल देते, टाइगर इज ए नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। तो टाइगर को क्या हाईलाइट कर दिया गवर्नमेंट ने कि ये हमारा नेशनल एनिमल है, इससे क्या होगा, इनके कंजर्वेशन एफर्ट्स को लेके, मतलब इनके कंजर्वेशन को लेके और भी ज्यादा एफर्ट्स किए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्पीशीज रीइंट्रोडक्शन। रीइंट्रोडक्शन मतलब पुनः परिचय। मैंने अभी आपको सिर्फ इसका मतलब बताया कि मतलब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं। रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम्स आर फोकस्ड ऑन रिटर्निंग एनी स्पीशीज बैक इन देयर नोन हैबिटेट। देखो रीइंट्रोडक्शन का मतलब ये जो प्रोग्राम है ये फोकस है, फोकस करता है रिटर्निंग एनी स्पीशीज बैक, किसी भी स्पीशीज को वापस लाना उसके नेचुरल हैबिटेट में, यानी जिस हैबिटेट में, जिस आवास में, जिस जगह, जिस घर में वो पहले रहता था उसको वहीं लाना, यानी अगर उसको दोबारा कहीं
ले जाया जा चुका है, तो उसको वहां से उसके नॉन हैबिटेट में लाना, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं री इंट्रोडक्शन। री इंट्रोडक्शन इज नेसेसरी टू मेंटेन अ वायबल पॉपुलेशन इन द वाइल्ड ऑफ एनी स्पीशीज विच हैज बिकम लोकली और ग्लोबली एक्सटेंट इन द वर्ल्ड। देखो री इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मतलब बहुत जरूरी है मेंटेन करने के लिए कि अगर कोई पॉपुलेशन ऐसी है जो जी सकती है, जीने योग्य या फिर जो सक्षम है कोई भी स्पीशीज, तो अगर वो वर्ल्ड में या ग्लोबली या फिर लोकली वो एक्सटेंट होने वाली है, जो कि मतलब एक्सटेंट हो चुकी है, तो उनको उनकी असली जगह पर लाकर छोड़ दिया जाता है, यानी नॉन हैबिटेट पे छोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। तो उन लोग मेंटेन बनाए रखने के लिए कि कोई अगर खत्म होने वाले कोई स्पीशीज, तो उसको मेंटेन करने के लिए रीइंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। यानी कि जंगली जानवरों की किसी भी स्पीशीज को पॉपुलेशन को अच्छा बनाए रखने के लिए, कि उनकी जो पॉपुलेशन है वो बनी रहे, सक्षम बनी रहे, उसको बनाए रखने के लिए रीइंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है, ओके। रीइंट्रोडक्शन इज कैरीड आउट टू मीट फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। अरे जो रीइंट्रोडक्शन है इसको किया जाता है बहुत सारे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, यानी कि बहुत सारे ऐसे उद्देश्य होते हैं जिन्हें पूरा करना होता है, तो उसके लिए रीइंट्रोडक्शन किया जाता है। पहला, टू इनहेंस द लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ अ स्पीशीज, यानी कि किसी भी स्पीशीज के सर्वाइवल को बढ़ाने के लिए, ताकि वो ज्यादा टाइम तक जी सके, ओके। दूसरा, टू रीस्टैब्लिश, रीस्टैब्लिश यानी कि पुनः स्थापना। सो टू रीस्टैब्लिश की स्टोन स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम, तो किसी भी एक की स्टोन स्पीशीज को इकोसिस्टम में दोबारा पुनः स्थापित करने के लिए भी ये रीइंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है। टू मेंटेन एंड या और रीस्टोर नेचुरल बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जो नेचुरल बायोडाइवर्सिटी है उसे मेंटेन करने के लिए या फिर रीस्टोर करने के लिए भी रीइंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है। रीस्टोर का मतलब होता है मरम्मत, यानी कि ठीक करने के लिए, अगर हमारी बायोडाइवर्सिटी बिगड़ गई है, ठीक है ना, तो उसे ठीक करने के लिए भी रीइंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है। टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू द लोकल एंड नेशनल इकोनॉमी। अच्छा, क्या करने के लिए, जैसे कि हमारी लोकल और नेशनल इकोनॉमी है, उन्हें लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स प्रोवाइड करने के लिए भी रीइंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है, यानी लंबे समय तक दीर्घकालिक प्रॉफिट्स दिलाने के लिए भी लोकल और नेशनल इकोनॉमी को ये रीइंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है। टू प्रमोट कंजर्वेशन अवेयरनेस, यानी कि संरक्षण जागरूकता को प्रमोट करने के लिए भी रीइंट्रोडक्शन जरूरी है। तो ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से रीइंट्रोडक्शन जो है, मतलब उद्देश्य थे जिनकी वजह से रीइंट्रोडक्शन किया जाता है, ओके। नेक्स्ट है ट्रांसलोकेशन ऑफ स्पीशीज। देखो ट्रांसलोकेशन क्या होता है, पहले ये टर्म समझा देती हूँ, स्थानांतरण यानी एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है ना। ट्रांसलोकेशन इज अ मूवमेंट ऑफ वाइल्ड इंडिविजुअल्स, जंगली जानवरों का एक जगह से दूसरी जगह जाना, भेजना उनको, उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। So translocation is a movement of wild animals of population from one part of their range to another. Okay? Translocation is an important step to maintain population balance in ecosystem to reduce human-animal conflict. तो अभी जो translocation है ये बहुत जरूरी step है maintain population balance, यानी कि जो population के अंदर जो balance है ecosystem में उसको बनाए रखने के लिए भी बहुत जरूरी है translocation, और human-animal conflict को कम करने के लिए भी, यानी कि इंसानों का और जानवरों के बीच में जो विवाद होता है उसको कम करने के लिए भी बहुत जरूरी है। देखो क्या होता है फ्रेंड, आपका घर जहाँ है, आपने सुना होगा कई बार कहीं तेंदुआ आ जाता है, शेर आ गया, चीता आ गया, कुछ भी आ गया, मतलब रिहायशी इलाकों में दबवा जाता है, तो क्या होता है इंसान अपने आप को बचाने के लिए इन बेचारे जानवरों को मार देता है, तो इससे क्या होता है विवाद बढ़ जाता है। तो ये जानवर अपनी जगह सेफ रहे और इंसान अपनी जगह रहे और इनके बीच में कोई विवाद ना हो, इसलिए इन जानवरों को काफी दूर रखा जाता है इंसानों के रिहायशी इलाकों से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फ्यू राइनोसोरस वर ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम काजीरंगा नेशनल पार्क टू मानस नेशनल पार्क। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको ट्रांसलोकेशन की एक एग्जाम्पल देती हूँ। कुछ राइनोसोरस थे जिनको ट्रांसलोकेट कर दिया गया था, यानी स्थानांतरित कर दिया गया था काजीरंगा नेशनल पार्क से मानस नेशनल पार्क में, ओके। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक और लास्ट टॉपिक है हमारा केस स्टडीज। अब इसके अंदर हम कुछ केस स्टडीज पढ़ने वाले हैं। पहला है हमारा प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम इज एन ऑनगोइंग स्कीम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये जो प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम है, ये स्कीम जो है चल रही है, ऑनगोइंग यानी चल रही, बिल्कुल चलती हुई स्कीम है, जिसको कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है उनके अंडर में काम कर रही है, यानी कि इसको इसकी देखा रेखी, इस प्रोजेक्ट टाइगर की देखा रेखी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कर रही है, ठीक है ना। दिस स्कीम इज फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया। अब ये जो स्कीम है ये फोकस करती है पॉपुलेशन बढ़ाने की टाइगर की, कि इंडिया में टाइगर की पॉपुलेशन को बढ़ाना है, तो इसके ऊपर ये स्कीम काम कर रही है।
टाइगर इज एन अम्ब्रेला स्पीशीज, मैंने आपको बताया था ठीक है ना। तो टाइगर एक अम्ब्रेला स्पीशीज है क्योंकि प्रेजेंस ऑफ टाइगर इन फॉरेस्ट, यानी कि अगर टाइगर जो है वो फॉरेस्ट में प्रेजेंट है, ऑल्सो इंश्योर्स अप्रोप्रिएट पॉपुलेशन ऑफ हर्बीवर्स एंड प्रोड्यूसर्स। तो ये सुनिश्चित करता है कि हर्बीवर्स और प्रोड्यूसर की जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट रहेगी, ज्यादा नहीं होगी ना कम होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट, द टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया वॉज ऑब्जर्व टू बी 1827 इन द ईयर 1972। देखो क्या होता है, साल 1972 में भारत के अंदर टाइगर्स की जो पॉपुलेशन थी वो 1827 नोटिस की गई थी, ऑब्जर्व की गई थी, यानी भारत के अंदर 1972 में टोटल 1827 टाइगर्स थे उस टाइम पे। प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम वॉज लॉन्च इन 1973, ये जो हमारी स्कीम है इसको लॉन्च किया गया था 1973 में ड्यूरिंग टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। टेन्योर मतलब कार्यकाल, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के कार्यकाल में इस प्रोजेक्ट स्कीम को लॉन्च किया गया। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस स्कीम नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स हैज इंक्रीज्ड इन इंडिया। अब देखो, अब स्कीम के आने से क्या परिणाम निकला, टाइगर रिजर्व्स जो है यानी इनके जो नंबर है वो भारत में बढ़ गए हैं, ठीक है ना। एट प्रेजेंट, अब देखो टाइगर रिजर्व क्या होता है, ऐसी जगह जहां पर टाइगर्स को बचा के रखा जाता है, ठीक है। एट प्रेजेंट 50 टाइगर रिजर्व्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। तो आज के टाइम पे लगभग 50 टाइगर रिजर्व्स जो है वो एस्टैब्लिश स्थापित किए जा चुके हैं भारत के अंदर। एग्जाम्पल बताऊं तो कान्हा टाइगर रिजर्व इज वन ऑफ द टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया। टाइगर कान्हा टाइगर रिजर्व जो है वो भारत में जितने भी टाइगर रिजर्व है उनमें से एक रिजर्व है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्ट एलिफेंट। सो एलिफेंट इज कंसिडर्ड एज की स्टोन स्पीशीज। एलिफेंट जो है इसको एक की स्टोन स्पीशीज माना गया है, मैंने आपको पिछले अभी पेज पे बताया था कि इसको की स्टोन स्पीशीज क्यों माना गया और की स्टोन स्पीशीज क्या होती है, ठीक है। सो एलिफेंट्स इन इंडिया आर कल्चरली सिग्निफिकेंट बिकॉज दिस एनिमल इज वर्शिप्ड एज लॉर्ड गणेश। भारत के अंदर हमारे जो एलिफेंट्स होते हैं, हाथी होते हैं, इनको सांस्कृतिक तरीके से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, ठीक है ना। बिकॉज क्योंकि ये जो एनिमल होता है इसकी पूजा की जाती है लॉर्ड गणेशा के तौर पर। देखो हम लोग जो है हाथी को भगवान गणेश मानते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए ये सांस्कृतिक रूप से बहुत ज्यादा एक महत्वपूर्ण जानवर हो गया, स्पीशीज हो गई, ठीक है। इसीलिए इसको कीस्टोन स्पीशीज भी बोल देते हैं। एलिफेंट्स आर ऑल्सो एक्सेसिवली हंटेड फॉर देयर टस्क एंड आर कंसिडर्ड एज इंडेंजर्ड स्पीशीज। अभी जो हाथी होते हैं इनका बहुत ज्यादा शिकार किया जाता है इनके दांतों के लिए। देखो हाथी के जो दांत होते हैं ना फ्रेंड्स, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है। वो कैल्शियम वगैरह के बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से बने होते हैं और इसको कंसिडर किया जाता है इसीलिए कि हाथी जो है वो विलुप्त होने के कगार पे है, इसीलिए इसको इंडेंजर्ड स्पीशीज बोला जाता है। प्रोजेक्ट एलिफेंट इज एन ऑन गोइंग स्कीम, ये एक चल रही स्कीम है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना। और ये जो स्कीम है ये फोकस करती है एलिफेंट की पॉपुलेशन को बढ़ाने के ऊपर। दिस स्कीम वॉज लॉन्च इन 1992, ये जो स्कीम है ये 1992 में लॉन्च की गई थी, ओके। प्रोजेक्ट एलिफेंट एम टू इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट्स एंड ऑल्सो एम टू रिड्यूस ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। ये जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है इसका लक्ष्य है एलिफेंट्स की पॉपुलेशन को बढ़ाना और ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट जो विवाद जो है उनको कम करना। प्रोजेक्ट एलिफेंट हैज बीन सक्सेसफुल इन एस्टैब्लिशिंग 32 एलिफेंट रिजर्व्स इन इंडिया। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये सक्सेसफुल हो चुका है 32 एलिफेंट रिजर्व्स को एस्टैब्लिश करने में भारत में, यानी भारत में अब तक 32 रिजर्व्स फॉर एलिफेंट जो है वो एस्टैब्लिश किए जा चुके हैं। थर्ड है हमारा प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल। इन इंडिया फॉलोइंग क्रोकोडाइल स्पीशीज हैव बीन ऑब्जर्व बट ऑल स्पीशीज आर ऑन वर्ज ऑफ एक्सटेंशन। हमारे भारत के अंदर ये कुछ स्पीशीज है क्रोकोडाइल्स की जो पाई जाती है, लेकिन ये जितनी भी स्पीशीज है ये खत्म होने की कगार पे है। पहली है घड़ियाल, मगर एंड सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल स्कीम वॉज लॉन्च इन 1975, ये जो स्कीम है ये लॉन्च की गई थी 1975 में टू इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ क्रोकोडाइल स्पीशीज। दिस स्कीम वॉज लॉन्च बाय गवर्नमेंट, ये जो स्कीम थी इसको लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा विद सपोर्ट फ्रॉम, और इस स्कीम को सपोर्ट किया गया था यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के द्वारा और FAO के द्वारा, ठीक है। मैनी क्रोकोडाइल सेंचुरी लाइक नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैव बीन एस्टैब्लिश्ड। अब बहुत सारी ऐसी क्रोकोडाइल सेंचुरी थी जैसे कि नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिनको एस्टैब्लिश किया गया इस स्कीम के द्वारा, इस प्रोजेक्ट के द्वारा। 16 क्रोकोडाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया फॉर ब्रीडिंग एंड रियरिंग प्रोग्राम्स। अब देखो 16 ऐसे क्रोकोडाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर्स थे जिनको स्थापित किया गया भारत में, किसके लिए, ब्रीडिंग एंड रियरिंग प्रोग्राम्स के लिए, ब्रीडिंग कराने के लिए ताकि जो क्रोकोडाइल्स हैं इनकी पॉपुलेशन बढ़ सके, एंड रियरिंग प्रोग्राम्स के लिए यानी कि अभी जो खत्म होने वाले एक्सटिंक्शन पे है ना, ये खत्म होने की कगार पे, तो इनके पालन पोषण के लिए भी इनको बनाया गया। फोर्थ है हमारा प्रोजेक्ट वल्चर।
तो इंडियन वल्चर इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। देखो फ्रेंड्स, एक था एंडेंजर्ड यानी कि जो खत्म होने की कगार पे, एक है क्रिटिकली एंडेंजर्ड यानी जो गंभीर रूप से खत्म होने की कगार पे, अब के मतलब कल के खत्म होते, आज खत्म हो जाए ऐसी कगार पे, ठीक है। सो इंडियन वल्चर एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज है बिकॉज पॉपुलेशन ऑफ दीज स्पीशीज है शार्पली डिक्लाइंड, क्योंकि इन स्पीशीज की जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से गिर रही है विद बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन को बोलते हैं जैव आवर्धन। और ये होता क्या है अब मैं आपको समझा देती हूँ। देखो सोचो, ये एक मछली है पानी के अंदर, ठीक है ना, और मछली के यहाँ पे कोई घूम रहा है, किसी फ्रॉग का अंडा ले लो, मछली ने खाया ये फ्रॉग का अंडा, मछली को खाया एक बर्ड ने, ठीक है ना, बर्ड को, ये बर्ड है, बर्ड को खाया हिरन ने, हिरन को खाया शेर ने, ठीक है ना, शेर किसी कारण से मर गया हमारा, शेर को खाया वल्चर ने, तो क्या हुआ, देखो ये जो खाना है ये धीरे 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 ऐसे जाके ऐसे गया, यानी कितने स्टेप्स बीच में आए, यानी अब इसने इस अंडे को खाया तो इस अंडे के अंदर जो थोड़ी बहुत अमाउंट होगी ना पॉइजन की, तो वो इसके अंदर चली गई, अब जब इसने खाया तो इसके अंदर वो अमाउंट बढ़ गई, इसने खाया इसके अंदर पॉइजन की अमाउंट बढ़ गई, इसके अंदर बढ़ गई और इसके अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट पहुंची, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन, जो थोड़े से पॉइजन की जो रेट होता है 10-10% बढ़ता रहता है हर उस पे, एंड इसको बायो मैग्निफिकेशन बोल देते हैं, जिसकी वजह से मरते जा रहे वल्चर्स, ठीक है। प्रोजेक्ट वल्चर वॉज लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत की सरकार ने इसको लॉन्च किया था 2006 में, इंक्रीज करने के लिए इंडियन वल्चर्स की पॉपुलेशन। फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड अंडर दिस प्रोग्राम, अब इस प्रोग्राम के अंदर कुछ मेथड्स को यूज किया जाता है। पहला तो ये, डाइक्लोफेनिक हैज बीन कम्प्लीटली बैंड फॉर वेटरिनरी यूज इन इंडिया सिंस 2006, यानी 2006 से भारत के अंदर वेटरिनरी यूज में डाइक्लोफेनिक को बिल्कुल पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। डाइक्लोफेनिक एक पेन किलर होती है जो हम ह्यूमन बींग्स लेते हैं अपने दर्द को कम करने के लिए, ठीक है ना, पेन किलर हम लोगों के लिए भी इतनी हार्मफुल होती है तो एनिमल्स के लिए तो कितनी हार्मफुल होगी, एंड वेटरिनरी का यहाँ मतलब है जानवरों के लिए, ठीक है ना। इन सिटू कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी की बात की जाए तो वल्चर सेफ जोन हैज बीन डिक्लेयर इन इंडिया, तो कुछ वल्चर सेफ जोन जो उनको डिक्लेयर कर दिया गया भारत के अंदर, एंड दीज वल्चर सेफ जोन आर हैबिटेट ऑफ इंडियन वल्चर्स इन विच यूज ऑफ एनी केमिकल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। और ये जो वल्चर सेफ जोन है इनके अंदर भारत के वल्चर्स रहते हैं और इनके अंदर पूरी तरीके से गवर्नमेंट ने यानी भारत सरकार ने केमिकल्स का जो यूज है उनको पूरी तरीके से बैन किया हुआ है, रोका हुआ है। दूसरा आता है एक्सिटू कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी। फोर वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, चार वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग इन स्पीशीज को ब्रीड कराने के लिए ताकि इनकी पॉपुलेशन थोड़ी सी बढ़ सके। तो ये इसके अंदर कुछ मेथड्स थे जो इसके अंदर मतलब इस प्रोग्राम के अंदर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा साइलेंट वैली मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब होता है आंदोलन, तो ये साइलेंट वैली आंदोलन, ठीक है ना। साइलेंट वैली मूवमेंट वॉज इनिशिएटेड इन 1972, यानी कि इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1978 में हुई थी, सॉरी मैंने 1972 बोल दिया, तो इसकी शुरुआत 1978 में हुई थी, टू रजिस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम ऑन कुंथी रिवर ऑफ साइलेंट वैली रीजन केरला। तो केरला का जो साइलेंट वैली रीजन है वहां पर एक जो क्षेत्र है वहां पे कुंथी रिवर है, तो उसके ऊपर बांध के निर्माण को रोकने के लिए 1978 में ये आंदोलन शुरू हुआ था। मैनी एनवायरमेंटलिस्ट लाइक माधव गडगिल अपोज टू द डैम कंस्ट्रक्शन इन दिस प्लेस बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस। तो बहुत सारे ऐसे एनवायरमेंटलिस्ट थे जैसे कि माधव गडगिल, जिन्होंने विरोध किया था कि मतलब इस जगह पर डैम का कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाना चाहिए, तो उसके उन्होंने कुछ रीजंस भी दिए थे, क्योंकि डैम वुड हैव रिजल्टेड इन लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड एंडेमिक स्पीशीज ऑफ साइलेंट वैली रीजन। इसका मतलब है कि डैम जो है, तो उन्होंने कुछ रीजन दिए थे कि मतलब डैम को क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए, तो उनका एक रीजन था कि जो डैम होंगे उनकी वजह से जो फॉरेस्ट कवर होगा उसका लॉस होगा और जो स्थानिक स्पीशीज होगी यानी कि वहां पर जितनी भी स्थानीय उस स्थान पर जितनी भी स्पीशीज पाई जाती होगी साइलेंट वैली रीजन की उनका भी लॉस होगा, तो उन्होंने इसलिए डैम के अपोज किए थे, उन्होंने विरोध किया था कि डैम नहीं बनना चाहिए क्योंकि इससे पहला तो बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा, दूसरा डैम वुड हैव रिजल्टेड इन एक्यूट वाटर शॉर्टेज इन डाउन स्ट्रीम एरियाज ऑफ केरला, कि जो इन बांध बनेगा अगर तो इसकी वजह से केरला के जो डाउन स्ट्रीम एरियाज होंगे उनमें पानी की कमी हो जाएगी, तो इसलिए भी इन्होंने एक रीजन दिया था कि डैम नहीं बनने चाहिए। तीसरा रीजन इन्होंने दिया था, प्रपोज्ड डैम वुड नॉट हैव प्रोवाइडेड बेनिफिट टू द स्टेट ऑफ केरला, कि जो ये डैम बनेगा इससे स्टेट ऑफ मतलब जो केरला जो स्टेट है उसको कुछ इतना फायदा नहीं होगा, तो इसे बनाने का कुछ फायदा नहीं है, तो क्यों फालतू में पैसा फूंक रहे, क्यों बना रहे हो। नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज वन ऑफ द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड विद एन एवरेज वेट ऑफ 15-18 kg। तो ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये एक बहुत भारी यानी कि बहुत हैवी उड़ने वाली बर्ड है, इसका एवरेज वेट जो है वो है 15-18 kg यानी 15-18 किलो की एक बर्ड है, चिड़िया है जो कि बहुत हैवी है।
प्रोजेक्ट क्रिएट इंडियन बस्टर इज कंसिडर एज एन इम्पोर्टेंट ऑनगोइंग स्कीम ऑफ अवर कंट्री। ये हमारी कंट्री की, हमारे देश की एक बहुत महत्वपूर्ण ऑनगोइंग स्कीम है, यानी जो चल रही है ऐसी स्कीम है। इसको लॉन्च किया गया था 2013 में। हरियाणा, पंजाब, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश नोन एज हैबिटेट ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, यानी कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जो रहने की जगह है, हैबिटेट यानी कि आवास स्थान। तो हरियाणा, पंजाब, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, इन सारी जगह पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाई जाती है, ठीक है ना। टुडे पॉपुलेशन ऑफ बर्ड इज बिलो 200। आज के टाइम पे इन बर्ड की जो पॉपुलेशन है वो 200 से भी नीचे जा चुकी है। एंड देयरफॉर दिस बर्ड इज प्लेस्ड इन द कैटेगरी ऑफ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज, और इसीलिए ये जो बर्ड है इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सेव वेस्टर्न घाट्स मूवमेंट। ये एक सेव वेस्टर्न घाट्स मूवमेंट मतलब आंदोलन चलाया गया था। ये जो आंदोलन है इसे कंसिडर किया गया है एक ऐतिहासिक घटना के रूप में हमारे देश की हिस्ट्री में, यानी कि इसको एक हिस्ट्री माना गया, एक ऐतिहासिक घटना माना गया। वेस्टर्न घाट्स कवर पार्ट ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल एंड तमिलनाडु। अब ये जो वेस्टर्न घाट्स है ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के हिस्सों को, यानी कि इनको कवर करता है। इतने ज्यादा इन सब राज्यों से ये होता है, ठीक है ना, मतलब इतने राज्यों को कवर करता है। दिस एरिया इज वेल नोन फॉर रिच फ्लोरा एंड फौना। ये जो एरिया है इसको मतलब जाना जाता है बहुत ज्यादा, मतलब इस एरिया में बहुत ज्यादा वैरायटी है पेड़ पौधों की और जानवरों की। तो यहाँ की जो बायोडायवर्सिटी है इस एरिया की वो काफी रिच है। ओके, इन दिस मूवमेंट सिविल सोसाइटी रेस्ड कॉन्सर्न्स रिलेटेड टू इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑन वेस्टर्न घाट्स। इस आंदोलन के अंदर ये जो सिविल सोसाइटी थी इन्होंने ये चिंता जताई, मतलब इससे रिलेटेड चिंता जताई कि अगर वेस्टर्न घाट्स के ऊपर कोई डेवलपमेंट की जाती है तो उसका असर क्या होगा। तो वो सबसे पहले तो वहां की जितनी भी बायोडायवर्सिटी है वो खराब हो जाएगी, ठीक है ना। अब जब वहां पर कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी डेवलपमेंट की जाएगी तो वहां के जितने भी मतलब जितने भी जानवर होंगे, जितने भी एनिमल्स होंगे, उनका हैबिटेट लॉस हो जाएगा। तो ये सारे रीजंस थे जिनकी वजह से उन लोगों ने वहां पर डेवलपमेंट प्रोसेसेस, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करने के लिए मना किया और ये आंदोलन किया। वेस्टर्न घाट्स डेवलपमेंट प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ये जो डेवलपमेंट प्रोग्राम था वेस्टर्न घाट्स का, इसे इनिशिएट किया गया था सरकार के द्वारा भारत की 1981 में फॉर इको रिस्टोरेशन, यानी कि हमारे जो इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन के लिए और बायोडायवर्सिटी की कंजर्वेशन के लिए, यानी कि उस जगह पर जितनी भी बायोडायवर्सिटी है उसको कैसे कंजर्व किया जा सके और वहां उसकी मतलब इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन के लिए, मरम्मत के लिए, ठीक है ना। तो ये जो हमारा चैप्टर था आज का ये फिनिश होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, और अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। ओके ना, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।